बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की मांग को लेकर समर्थन मांग रहे गांव-गांव जाकर। बुलंदशहर शिकारपुर विकास मंच के साथी गांव-गांव जाकर मांग रहे समर्थन। शिकारपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की मांग को लेकर वीरवार को शिवनगर, भूसरी, बरौली, सिमनपुर, केलावन आदि गांवों में से समर्थन मांगा। अधिकांश गांवों में बड़े जोश के साथ विकास मंच की टीम के साथियों का स्वागत किया और शिकारपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन दिया। कुछ गांव के लोगों ने यह भी कहा कि भविष्य में वह जो भी अपने पोस्टर या बैनर लगाएंगे वह उस पर शिकारपुर विकास मंच की मांग का समर्थन करने के लिए अवश्य लिखेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि जहां भी जरूरत होगी वह अपने सभी साथियों के साथ सरकार पर दबाव बनाना होगा या प्रशासन के सामने चलना होगा तो वहां शिकारपुर विकास मंच के साथियों के साथ हमेशा उपस्थित रहेंगे। भुर्जा विधानसभा जिसके अंदर 3 सरकारी डिग्री कॉलेज है, सिकंदराबाद विधानसभा जिसके अंदर 2 सरकारी डिग्री कॉलेज है, आपके पड़ोस में लगी हुई दिवाई विधानसभा जिसके अंदर 2 सरकारी डिग्री कॉलेज है और आप पूछते हैं कि हम क्या मांगे। शिकारपुर इकलौती विधानसभा है जिस बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 में जिसमें कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। दुर्भाग्य ये भी है इस समय शिकारपुर के अंदर आपके पड़ोस के गांव के सांसद साहब हैं, उनकी केंद्र में सरकार है, पिछले 10 साल से सरकार है, कुछ नहीं कर पाए। इस समय शिकारपुर के अंदर जो हमारे विधायक है वो शिकारपुर के मंत्री भी है, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद इस शिकारपुर में डिग्री कॉलेज बनेगा पूछना चाहता हूँ। क्या आपको नजर आता है किसी में इतना गुंडा कि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक और जब डिग्री कॉलेज बनवाएगा? आप लोग सो चुके हैं दोस्तों, खड़े हो, अपनी आवाज बुलंद करें। ये बच्चे इस ग्राउंड में लड़ रहे 500 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए एक पहलवान को शाम को दूध चाहिए, 5 पूरे महीने का खर्चा नहीं निकलता इस 500 रुपए में, कहां से आएगा ये रोजगार, कहां से मिलेंगे हमको संसाधन? आप सोचिएगा। इस शिकारपुर के अंदर हम दूसरी मांग ये रखते हैं, इस शिकारपुर के अंदर एक छोटा सा इंडस्ट्रेलिया जरूर होना चाहिए। मेरे इन पहलवानों को खाने के लिए रोटी चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए। खाली सूखी रोटी से पहलवान इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लग सकते, ये करवा सकते दोस्तों, आप इस बात को मानिए। हमें शिकारपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए। मैं हर पार्टी के मंच पर जा रहा हूँ, मेरे युवा साथी हर पार्टी के मंच पर जा रहे हैं, वहां जाकर चिल्ला कर कह रहे हैं, आप बताइए शिकारपुर की इन मांगों के साथ है या नहीं है। मैं हर मंच से अनाउंसमेंट करता हूँ, कोई गलत है या नहीं है हाथ खड़ा करके बताइए, ये बात है या नहीं है। दोस्तों मैंने अनाउंसमेंट किया है और मैं आपका इस समय सहयोग चाहता हूँ। हम सबको नहीं मालूम, आप सब नहीं जानते, मैं नहीं जानता, प्रमुख साहब नहीं जानते, मंत्री जी नहीं जानते, जितने प्रत्याशी हैं वो भी नहीं जानते कि शिकारपुर की 10 सीट पर 2022 में चुनाव जीतेगा कौन। लेकिन मैं इतना जानता हूँ और छाती ठोक कर कहता हूँ, जो शिकारपुर विकास मंच के इन दोनों मुद्दों का, शिकारपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की मांग का समर्थन नहीं करेगा, चुनाव जीतेगा कौन इसका तो मुझे पता नहीं, वो चुनाव हारेगा जरूर, ये आपसे वादा करके जाता हूँ। आप सबका इसमें मुझे सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों बात बहुत लंबी खींचेगी, बहुत दूर तक जाएगी, बस खत्म करूंगा क्योंकि दोनों भाई खड़े हैं। इन दोनों पहलवानों को मेरी तरफ से 1100 रुपए का इनाम है। ये दोनों पहलवान हारे या जीते दोनों में मेरी तरफ से बराबर बराबर बात दीजिएगा। दोस्तों आप सबसे अनुरोध है, प्लीज अपनी मांग बुलंद कीजिए, नेताओं की चापलूसी बंद कीजिए। जो भी नेता आपके यहाँ पर वोट मांगने आए, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे पूछिएगा सरकारी डिग्री कॉलेज कब बनवा रहे हैं, उससे पूछेगा कि औद्योगिक क्षेत्र कब बनेगा। इसमें मुझे सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों बात बहुत लंबी खींचेगी, बहुत दूर तक जाएगी, बस खत्म करूंगा क्योंकि दोनों भाई खड़े हैं। इन दोनों पहलवानों को मेरी तरफ से 1100 रुपए का इनाम है। ये दोनों पहलवान हारे या जीते दोनों में मेरी तरफ से बराबर बराबर बात दीजिएगा। दोस्तों आप सबसे अनुरोध है, प्लीज अपनी मांग बुलंद कीजिए, नेताओं की चापलूसी बंद कीजिए। जो भी नेता आपके यहाँ पर वोट मांगने आए, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे पूछिएगा सरकारी डिग्री कॉलेज कब बनवा रहे हैं, उससे पूछेगा कि औद्योगिक क्षेत्र कब बनेगा, मेरे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, मेरी बेटियां कब पढ़ेंगी,
अगर आपने ये सब किया मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। आवाज इतनी मंदी है कि वो फकूड़े को पार नहीं कर पा रही। शिकारपुर कैसे पहुंचेगी? जोर से आवाज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय भारत। हाँ भाई, ग्रामीण भारतीयों भाई, हमारे खगुड़ा के सभी ध्यान पूर्वक सुने। हमारे जो भाई हैं